जगत हो, राजनीति हो या क्षेत्र हो, व्यापार, जुर्म फरेब की हर गली से गुजरे जो कह के खबरदार, झूठ का पर्दाफाश करेगा सच का पहरेदार, हर तरह की खबरें लेकर पेश है मुंबई रफ्तार। नमस्कार, मैं हूं सैयद शादना और आप देख रहे हैं मुंबई रफ्तार न्यूज। आउटे सूरज आवाज दे दे रहे तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छा इवेंट है, बहुत अच्छा मौका है बहुत सारे लोगों को, यूथ को जुड़ने का। इनसे क्रिकेट इज़ अ रिलीजन इन हमारी कंट्री में, और मुझे उतना खेलना नहीं आता है, लेकिन मैं खेलता नहीं, मैं देखता हूँ, बचपन में खेलता था। बट माई ब्रदर सैम खान, वी कॉल हिम मास्टर माइंड, सो उन्होंने ये ईजाद किया है, सो वी आर जस्ट सपोर्टिंग हिम। आई एम सपोर्टिंग विद माई ब्रांड हंक वाटर एंड पीनट बटर, जितने भी मेरे सारे दोस्त हैं उनके जितने ब्रांड्स हैं, वी आर ट्राइंग टू प्रमोट द ब्रांड एट द सेम टाइम, हैव अ ग्रेट टाइम एंड एंजॉय द शो। बचपन में क्रिकेट की यादें एक्चुअली बहुत ख़राब है, मुझे फील्डिंग करा के फिर आप हंस रहे हो मेरे ऊपर, हैं अभी से पूरा बोलने तो तो मुझसे फील्डिंग करा के बचपन में, और जब मेरी बैटिंग का नंबर आता था लोग मुझे बोलते थे यार वो मम्मी बुला रही है, तो सब दोस्त चले आते थे और मुझे बैटिंग नहीं मिलती थी, तो आई वॉज द वीकेस्ट, तो मैंने वो क्रिकेट खेलना ही छोड़ दिया। मैंने सोचा मुझे कोई ऐसे स्पोर्ट में जाना चाहिए जिसमें किसी की ज़रूरत ना हो, तो मैंने जिम चला गया क्योंकि उसमें आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, और उसके बाद जिम में गया, उसके बाद कभी बाहर नहीं निकला, तो अब क्रिकेट को बचपन की यादों के लिए देख रहा हूँ। यूथ के लिए सबसे बड़ा जो भी मसला है ना, कि आई थिंक बहुत सारे यूथ को ये लग रहा है कि सिर्फ बॉडी बना लेने से पैसे आ जाते हैं, सिर्फ बॉडी बनाने से फेमस हो जाते हैं। मुझे लगता है वो सही नहीं है ऐसा सोचना। बॉडी बनाने से आपको लाइक्स, शेयर, फेसबुक सब्सक्राइबर ये सब मिलता है, बट उसकी एक लिमिटेशन है। विद बॉडी यू मस्ट स्टार्ट सम छोटा मोटा काम, बिजनेस। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप जॉब मत करो, अगर जॉब करते हैं तो जॉब करें, बट इवेंचुअली वी नीड मनी। बॉडी बिल्डिंग में ऐसा है कि आप जितना पैसा डालेंगे, जितना समय डालेंगे बॉडी के अंदर, उतनी अच्छी बॉडी बनेगी। मैं हमेशा कहता हूँ कि बॉडी बिल्डिंग इज़ अ जॉबलेस मैंस जॉब। जो आदमी जॉबलेस है, दिन भर कुछ नहीं करता है, ऑफिस नहीं जाता है, काम नहीं करता है, वो दिन भर खाए मील्स पे मील्स, ट्रेनिंग करे दो टाइम, दिन भर सोए, मसाज ले, उसकी बॉडी बहुत खूबसूरत होगी और बहुत जल्द बन जाएगी। सो बट दैट इज़ द एंड रिज़ल्ट। महीने के अंत में क्या आपको सिर्फ बॉडी से पैसे मिल रहे हैं? अगर मिल रहे हैं और यू आर हैप्पी विद दैट अमाउंट, ठीक है। तो बहुत सारा यूथ ना सिर्फ जिम कर रहा है, मम्मी दिन भर खाना बना रही हैं या वाइफ काम कर रही हैं तो हस्बैंड सिर्फ जिम कर रहे हैं। आई थिंक वी ऑल मस्ट कंसिडर, ये एक वन ऑफ द जरिया है ज़िंदगी को जीने का, बट दिस इज़ नॉट द एंड। मतलब आप बहुत सारा कुछ कर सकते हैं, छोटा मोटा बिजनेस, काम, यू नो, टू ग्रो मोर। अदरवाइज दुनिया में जो सबसे बड़ा बॉडी बिल्डर है वो दुनिया का सबसे अमीर आदमी होता, लोग काम करते ही नहीं। क्रिकेट मुझे बहुत पसंद थी, यू नो, मैं भी ऐसे ही खेलती थी जब 14-15 ईयर्स की थी तब से। एंड अबाउट हेल्थ, अभी सीख रही हूँ मैं किस तरह से लोगों तक पहुंचने वाला हूं मुझे पता नहीं। मैं तो वही करता हूं जो मुझे
अच्छा लगता है, जो मुझे ऐसा लगता है कि ये यू नो इट्स रियलिस्टिक, बट क्योंकि मैं बहुत साल तक दिन भर जिम में रहा और मुझे ऐसा लगा कि मैं मेहनत तो कर रहा हूँ भाई, नमक भी नहीं खा रहा हूँ, डाइट भी कर रहा हूँ, 4 घंटे जिम भी जा रहा हूँ, इतना दर्द रहता है मेरे बदन में, और ऐसा मैं 5-10 साल तक करता रहा और ये सोचता रहा कि इससे ज़्यादा मेहनत और क्या कर सकता है कोई। बट उसका रिजल्ट जो है उस मेहनत के लिए ख़रीदार नहीं था कोई। सो दैट इज़ वाई आई सेड आप थोड़ा करें जिम और बाकी काम सोचे कि इस वक्त मुझे खरीदेगा कौन, हु विल पे मी, तो फिर वो काम भी करना है ना। सिल्वेस्टर स्टालोन, आर्नोल्ड, उनको देखकर मैं मुझे लगा कि आई थिंक लुक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, लुकिंग गुड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पहले था कि फीलिंग गुड इज़ लुकिंग गुड, अब है लुकिंग गुड इज़ फीलिंग गुड। सो मुझे लगा कि, और मैं बहुत कमज़ोर था, मुझे बचपन में बहुत लोग मारते थे क्रिकेट विकेट मैच में, तो मुझे लगता था मैं बहुत पतला दुबला था, लोग बोलते थोड़ा जिम जाओ बॉडी बना लो, बाद में बोलने लगे यार बहुत ज़्यादा हो गई बॉडी, थोड़ा कम कर लो बल्कि हो गए हो। मैं करता रहता हूँ रोज़ इंस्टाग्राम स्टोरी पे और मेरा यूट्यूब चैनल पे। मुझे नहीं लगता कि मुझे बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है, मुझे नहीं लगता कि फिल्मों में ही जो लोग काम करते हैं वो खुश है, जो फिल्म में नहीं भी काम करते हैं दाल रोटी कमा लेते हैं खुश है, चलता है। चलिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुंबई रफ्तार न्यूज़ की खबरें पसंद आने पर हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।